मिस्टर अर्नब देख लीजिए ये दो मिनट में इसको समझ लेता है देखिए ये है आपका यूनिवर्सल सेट इस यूनिवर्सल सेट में ये बैठा हुआ है ए ये बैठा हुआ है बी और ये बैठा हुआ है सी यहां तक बात समझ आई आपको तो यार ऐसा कोई एक ऐसे यूनिवर्सल सेट है ये जैसे वेन डाइग्राम में आप शो करते हैं तो इसमें ए बैठा हुआ है टू फोर सिक्स एट बी बैठा हुआ है और सी बैठा हुआ है यहां तक मेरे साथ है पक्का अब थोड़ा सा बात समझिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यह होता है यार कि ये ए है और ये बी है ये जो है ये जो कॉमन टर्म्स है ना ये ए इंटरसेक्शन बी है तो जैसे ए और बी आपने लिया तो इसमें कॉमन टर्म्स कौन से हैं फोर फोर ही है four. Four ये बस तो इसका आंसर हो जाएगा फोर यहां तक डाउट है पक्का अगर वो पूछता ए यूनियन बी ए और बी के कॉमन बट रेपटेशन की नहीं होनी चाहिए तो ये क्या होता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ तक मेरे साथ है तो यूनियन ये यूनियन का सिंपल है ये इंटरसेक्शन का सिंपल है यहाँ तो कोई डाउट है अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं ये इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब माई फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब वट एवर इन यू एक्सेप्ट बी मतलब यूनिवर्सल में सेट में जो भी है बी को छोड़ के तो बी के अंदर वन थ्री फोर फाइव सेवन इसको से एस ऐसा शो कर दिया जाता है जैसे अगर मैं ये बी करूं ना इसको ये अगर बी है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि ये वाला बाकी का जहान सो वन थ्री फोर फाइव सेवन वन थ्री फोर फाइव सेवन इनको छोड़ दीजिए तो टू सिक्स एट नाइन भाई समझ आ गया आपको पक्का तो so, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया लेटर्स अज्यूम ए कॉम्प्लीमेंट बोलता तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे टू फोर सिक्स एट है तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये समझ आ गया अब जब वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो मतलब इनको ऐड कर लीजिए किसको किसको इसको और इसको तो कौन कौन हो गया वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये समझ आ गया और फाइनली समझ लीजिए माइनस का मतलब क्या होता है वेरी नाइस एलिमेंट्स ऑफ ए ए माइनस बी का मतलब यह हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ ए ए मतलब ए में से बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो निकाल दीजिए तो ए लिया आपने उसमें बी के कितने एलिमेंट्स हैं बस यही है टू ए सिक्स एट ये समझ आए ये बेसिक आपको चाहिए यार इसमें कोई भी अगर ऐसा उल्टा सीधा कोई क्वेश्चन है उसको ट्राई मत कीजिए बेसिक अगर आपकी सेट्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक है सो so, बेसिक अगर आपकी सेट की अंडरस्टैंडिंग ठीक है जैसे आप फटाफट -फड़ ये भी देख लीजिए इसमें कौन कौन है ए बी सी ए बी सी बी को छोड़ के मतलब इनको मत हाथ लगाइए इसको छोड़ के क्या क्या है ए बी एच जे आई जी ठीक कर रहा हूं गुरु ठीक है अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन है सी याद है ठीक है ये क्या कह रहा है ए यूनियन बी ये यूनियन है ए और बी की इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यहां कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो क्या होगा एच जे आई जी बेटा डाउट है मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो थोड़े से टफ है जैसे ये है. टी कॉफी ओनली टी ओनली कॉफी नीदर टी नॉर कॉफ़ी टी और कॉफ़ी तो सिक्सटी प्लस एट्टी वन फोर्टी प्लस फोर्टी वन एटी सर डाउट है पक्का मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़े से आसान हैं और जो आने वाले हैं बाकी तो सेट्स यार एट्थ क्लास में फिर से आएंगे तो वो तो जितना करेंगे उतना कम है जैसे अब ये क्वेश्चन है जी कॉम्प्लीमेंट एच कॉम्प्लीमेंट जी यूनियन एच जी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच जी का यूनियन कर लीजिए और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए नहीं समझ में आया अरे यार ये आई एम सॉरी यार ये मुझे लग रहा है ये यूनिवर्सल सेट बोल रहा है इसको आ, ये गलत है सॉरी यार ये यूनिवर्सल सेट है ये है। उसमें सारे आ जाएंगे तो यहां पर भी पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा नेचुरल नंबर लेस देन इलेवन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन पहले यूनिवर्सल थ्रेट बना लीजिए उसके बाद सॉल्व कीजिए कोई डाउट है अन्ना भाई कोई डाउट है